Yes, 10th class. Now I am going to take up a very very important question. देखो यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी गायब है, इसलिए इम्पोर्टेंट है. और हमें क्या दिया गया है? मीन दिया गया है. और ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता है. तो देखो स्टेटमेंट क्या है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ ए लोकेलिटी. तो देखो बच्चों की जेब पर चले गए हैं, बच्चों की पॉकेट मनी बता रहे हैं. द मीन पॉकेट अलाउंस इज 18, कहता है 18 रुपए एवरेज है उनका पॉकेट अलाउंस. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है वो निकालनी है. तो कहता है 7 बच्चे 11 से 13 के बीच में पैसे मिलते हैं, 6 बच्चों को 13 से 15, 9 बच्चों को 15 से 17, कितने कम पॉकेट मनी मिलता है ना. 13 को मिलता है 17 to 19, और 19 to 21 पता नहीं कितने बच्चों को मिलता है, वही हमें फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे. दिस प्लस दिस बाय 2 12, दिस प्लस दिस बाय 2 14, इस तरीके से इसको जोड़ के डिवाइड बाय 2 करते जाएंगे, ये पूरा एक्स आई आ जाएगा. अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर छोड़े 3 इधर छोड़े, ये आ गया बीच का नंबर, ये बन गया हमारा एज्यूम्ड मीन. बीच के नंबर को एज्यूम्ड मीन लेते हैं. और यू आई निकालना है, सीधा 0 लिखो, डिक्रीज हो रहे हैं, -1 -2 -3, 1 2 3, राइट. नाउ दिस इज एफ आई एंड दिस इज यू आई, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो. यहाँ लिखो 6 -2 -12 2 -1 -9, 13 0 0, एंड एफ इंटू 1 एफ, 5 into 2 10, 4 into 3 12, राइट बेटा. अब माइनस के करेंगे तो -42, प्लस के करेंगे तो 22, दोनों को एड या सब्ट्रैक्ट किया, एफ भी बैठा है, एफ -22. तो देखो एक तो ये चीज आ गई और एक ये चीज आ गई. अब हमारा फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड का, वो है बेटा ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई. एज्यूम्ड मीन था 18 प्लस ए था हमारा ये, एच था हमारा क्लास साइज, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं. देखो ये 2 इंटू एफ -20 बाय सिग्मा एफ आई था एफ +44. अब देखिए 18 -18 0, इधर हो गया 0, 0 से जब ये नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2f -40 विल बी इक्वल टू 0, 2f will be equal to 40, f विल बी इक्वल टू 40/2, देन इट द आंसर विल बी 20. तो f क्या आया, जिन बच्चों को 19 से 21 के बीच में पैसे मिलते थे उनकी फ्रीक्वेंसी आई 20. 20 बच्चों को पैसे मिलते थे 19 से लेकर के 21 के बीच में. ओके बेटा, यस 10th क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अप क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 14.1. द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड इन अ लोकेलिटी. तो एक लोकेलिटी में ये हाउसहोल्ड हैं, ये हाउसहोल्ड्स हैं, और इनका खर्चा देखो, 4 घरों का खर्चा 100 से 150 के बीच में, 5 घरों का खर्चा जो है 150 से 200 के बीच में, इस तरीके से इनके एक्सपेंडिचर बताए हुए, ये फैमिलीज हैं. तो कहता है फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय अ सुटेबल मेथड. तो हमारे को कोई भी मेथड कह दिया है, तो हम कौन सा मेथड लगाने वाले हैं, स्टेप डिविएशन मेथड, राइट बेटा, क्योंकि यही आसान लगता है और इम्पोर्टेंट भी है. तो हम ये मेथड करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हम एक्स आई निकालेंगे, दिस प्लस दिस बाय 2 करेंगे 125, दिस प्लस दिस बाय 2 175, इस तरीके से हम सारे एक्स आई निकाल लेंगे. यू आई के लिए हमें 1 2 3 4 5, 2 इधर छोड़े 2 इधर छोड़े, तो हमारा एज्यूम्ड मीन हो गया 2 2 5. यहाँ पे 0 लगाया, घट रहे हैं, -1 -2 बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं ना इधर, ये घट रहे हैं 1 2, और फिर एफ आई यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा ये -8, 5 1 जा क्योंकि माइनस का है -5, 12 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इनको इकट्ठे किया -13, इनको इकट्ठे किया 6 -13 + 6 = -7. तो एज्यूम्ड मीन हमने 2 2 5 लिया था. स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है एज्यूम्ड मीन प्लस एच, एच इज द क्लास मार्क, वो कैसे निकलता है 150 - 100 करके ना, क्लास साइज, ये है क्लास मार्क, ये क्लास मार्क है और ये क्लास साइज है, ठीक है. तो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस रेगुलर होना चाहिए, नहीं होगा तो हमें बनाना पड़ता है. तो ये एच हमारा 50 हो गया, एच यहाँ पे लिख देती हूँ कि 50 हो गया हमारा. फिर देखिए 50 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई निकाला था -7 और सिग्मा एफ आई 25,
जब इनको कट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 14, 225 में से 14 को घटाएंगे तो 212, तो हमारा आंसर क्या आया 211। ओके बेटा, नाउ इट इज क्वेश्चन नंबर 7। और क्या पूछा गया है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए, टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन दैट इज PPM, द डाटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन द सर्टन सिटी, किसी सिटी में 30 लोकेलिटीज में डाटा को कलेक्ट किया गया एंड इज प्रेजेंटेड बिलो। तो देखो हमें डाटा दिया है, तो SO2 की जो है कॉन्सेंट्रेशन, एक गैस की कॉन्सेंट्रेशन जो है ये दी गई है कि 0.00 से 0.04 तक 4 लोकेलिटी में पाई गई, फिर 9 लोकेलिटी में इतनी पाई गई, फिर 9 में इतनी, फिर 2 में इतनी। तो इस तरीके से हमें SO2 की जो है कॉन्सेंट्रेशन का डाटा दिया गया है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो पूरी एयर में हमें मीन निकालना है SO2 की कॉन्सेंट्रेशन का, किसका, कॉन्सेंट्रेशन का, राइट बेटा। तो फिर देखिए, दिस प्लस दिस बाय टू करेंगे तो 0.002 आएगा। कैसे आया देखो, 0.00 प्लस 0.04 बाय टू किया, 0.04 बाय टू तो आ गया 0.02, ये आया। इस तरीके से हमने सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन निकाल ली, राइट बेटा। फिर हम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं, तो देखिए बीच में ये दो और बीच की ये दो बच गई हैं, इनमें से एक को मीन मानना है हमने, एज्यूम्ड मीन। तो इसको हमने मान लिया 0.10 का एज्यूम्ड मीन मान लिया। इसके सामने जीरो रखो, इधर घट रहे हैं -1, -2, इधर बढ़ रहे हैं ये वाली चीज़। तो देखिए एक्स आई बढ़ रही है, 1, 2, 3 ऐसे कर दिया। फिर देखिए ये एफ आई है, ये यू आई, इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा ये -8, 9 -1 -9, 9 0 जा 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6। अब ये देखिए ये कितने हैं, -17, ये हैं 16, -17 में से 16 घटाएंगे तो +1 बच जाएगा, तो सिग्मा एफ आई यू आई आया -1। अब हमारा फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डिविएशन मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, सेम टू सेम वैसे ही सारा प्रोसेस चलता जा रहा है। तो बार बार आप करेंगे तो आपके दिमाग में जम जाएगा। ये देखिए जो है ये क्लास साइज है हमारा, दिस माइनस दिस करेंगे तो 0.04 आएगा, तो एच हमारा क्या आया है 0.04, राइट बेटा। तो अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, एज्यूम्ड मीन था 0.10 प्लस हमारा एच था 0.04 इंटू सिग्मा एफ आई यू आई -1 आया, सिग्मा एफ आई आया हमारा 30। इन सारों को जोड़ के देखेंगे और आपके उसमें भी हम पता है कि कितनी लोकेलिटी दी गई है, 30 लोकेलिटी दी गई हैं। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.001 और ये था हमारा 0.10। 0.10 में से जब 0.001 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.099। तो ये आई है SO2 की कॉन्सेंट्रेशन इन द एयर। ओके बेटा, यस 10th क्लास, नाउ लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 5th ऑन पेज नंबर 271 ऑफ योर बुक। तो क्या पूछता है देखिए जरा, ये पूछता है इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ट इन द पैकिंग बॉक्सेस, दीज बॉक्सेस कंटेन्ड वेरिंग नंबर ऑफ द मैंगोज, द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द बॉक्सेस। तो मैंगोज हैं 15 बॉक्स में 50 से 52, 110 बॉक्स में 53 से 55, 135 में 56 से 58, 115 में इतने, एंड ये नंबर ऑफ द मैंगोज बताया, ये बॉक्सेस हैं। तो हम एक्स आई निकालेंगे, दिस प्लस दिस बाय टू इतना, दिस बाय दिस प्लस दिस बाय टू इतना, तो सभी एक्स आई निकाल लेंगे। देखो एक निकाला हुआ मैंने, आप इस तरीके से सभी निकाल सकते हैं। फिर देखो 1, 2, 3, 4, 5, दो इधर छोड़े, बीच का आ गया एज्यूम्ड मीन, लेट एज्यूम्ड मीन भी 57। अब हमें यू आई निकालना है, इसके सामने जीरो घट रहे हैं, -1, -2, 1, 2, एंड अब देखो एफ आई यू आई निकालेंगे, 15 2 जा -30, 110 1 जा -, क्योंकि माइनस का था ना इसलिए आगे देखिए, 115 1 जा 115, 25 2 जा 50, इसको जोड़ा तो -140, इसको जोड़ा तो 165, और ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई यू आई, और ये सिग्मा एफ आई, ये है 400।
तो देखिए हमें स्टेप डिविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, एज्यूम्ड मीन था 57, एच क्लास साइज होता है दिस माइनस दिस, 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 थ्री था, 3 इंटू 25 बाय 400, 50 प्लस 0.1875, तो ये आ गया हमारा मीन 57.1875। ओके बेटा, क्लास नाउ लेट अस टेक अप क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ योर बुक। अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ द 40 स्टूडेंट्स। देखो 40 स्टूडेंट्स हैं और उनके एब्सेंटी का रिकॉर्ड है हमारे पास, तो एक क्लास टीचर के पास फॉर द होल टर्म फाइंड द मीन ऑफ द नंबर ऑफ द डेज अ स्टूडेंट वॉज एबसेंट। स्टूडेंट कितने दिन के लिए एबसेंट था, हमें उसका मीन निकालना है। तो ये नंबर ऑफ द डेज हैं, ये फ्रीक्वेंसी है कि 0 से 6 में 11 स्टूडेंट एबसेंट थे, 6 टू 10 से 10, 14 10 से 14 के बीच में 7, 14 से 20 के बीच में 4, ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हैं। राइट बेटा, जब इनको ऐड करेंगे तो 40 आएगा क्योंकि टोटल क्लास में बच्चे हैं 40। ओके बेटा, तो इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 2, तो देखिए 0 प्लस 6 बाय 2 ये आ गया 3। इस तरीके से हम सारी एक्स आई निकाल लेंगे। ये है हमारा क्लास साइज। क्लास साइज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ही हैज़ नॉट मेंशनड एट ऑल कि कोई भी मेथड कर सकते, तो हम डायरेक्ट कई बार कर सकते हैं बड़े आराम से, इसको इससे गुना करके और फटाक से कर दो। ठीक है, तो देखिए दिस इंटू दिस इज इक्वल 33, दिस इंटू दिस इज इक्वल 80, दिस इंटू दिस इज इक्वल 84, दिस इंटू दिस 68, दिस इंटू दिस 96, दिस इंटू दिस 99, दिस इंटू दिस 39, और ये आ गया हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई। जब इन सारों को ऐड कर दिया, ये सिग्मा एफ आई था, तो एक्स बार हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 499 बाय 40 एंड दैट इज इक्वल टू 12.472। ओके बेटा, यस 10 क्लास, लेट अस नाउ टेक अप क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या पूछा गया है, 30 वुमेन आर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर एंड अ नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द मीन ऑफ द हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सुटेबल मेथड। तो कोई मेथड नहीं कह रहा है, कोई मेथड ना कहे तो स्टेप डिविएशन मेथड लगाओ फौरन, बेस्ट मेथड। देखिए 65 से 68 हार्ट बीट है दो औरतों की, चार औरतों की 68 से 71, तीन औरतों की 71 से 74 के बीच में हार्ट बीट आ रही है। हार्ट बीट नापते हैं ना कि कितनी पर मिनट आ रही है, तो डॉक्टर देख रहा है लेडीज की हार्ट बीट को। राइट, तो अब हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकलता है, दिस प्लस दिस बाय 2, 66.5। इसी तरीके से सबकी निकाल दो, दिस प्लस दिस बाय 2, दिस प्लस दिस बाय 2, सबकी निकाल लो। उसके बाद हमें एज्यूम्ड मीन लेना है। काउंट करो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 इधर छोड़े, 3 इधर छोड़े, ये आ गया एज्यूम्ड मीन। लिख दो लेट एज्यूम्ड मीन भी, इसको लेट करते हैं यानी कि हम गैस करें कि हमारा मीन इसके आसपास आएगा। राइट बेटा, फिर हम निकालेंगे यू आई। तो स्टेप डिविएशन मेथड में आप डी आई को स्किप करके सीधा यू आई निकालें। एज्यूम्ड मीन के आगे 0, घट रहे हैं -1, -2, -3, 1, 2, 3 ऐसे लिख दो, और निकालोगे तो भी यही आएगा, दिस माइनस दिस बाय 3 करेंगे तो -3 आएगा। आप करके भी देख सकते हैं। राइट बेटा, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होता है, हम लोग सीधा ऐसे ही कर देते हैं। अब देखो सिग्मा एफ आई यू आई, दिस इंटू दिस -6, 4 इंटू 2 -8, 3 इंटू 1 -3 क्योंकि माइनस के है ना, 8 0 जा 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, ये इन सबको जोड़ा माइनस के 17, इन सबको जोड़ा प्लस का 21, 21 में से 17 घटाया 4, तो सिग्मा एफ आई यू आई आया। सिग्मा क्या होता है, इन सब का जोड़, एफ आई यू आई का सिग्मा निकाला 4 आया, और इस फ्रीक्वेंसी का सिग्मा 30 आया। फॉर्मूला क्या था, एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई। एज्यूम्ड मीन था 75.5 प्लस एच 3 था, सिग्मा एफ आई यू आई 4, सिग्मा एफ आई 30, इसको कट कर दीजिए 4/10 एंड ये आ गया 75.9। ओके बेटा, यस बेटा 10th क्लास, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन द परसेंटेज ऑफ द 35 सिटीज। 35 सिटीज है, ये नंबर ऑफ द सिटीज है, ये लिटरेसी रेट है। तीन सिटी में 45 से
55% है ये लिटरेसी रेट इन द परसेंटेज दिया हुआ है, राइट बेटा। तो कहता है फाइंड द मीन ऑफ द लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का मीन निकालना है हमारे को, तो उसके लिए क्या करेंगे, दिस प्लस दिस बाय टू करेंगे, तो देखो ये आया 50। इसी तरीके से सारी एक्स आई निकालेंगे, दिस प्लस दिस बाय टू 60 आएगा, दिस प्लस दिस बाय टू 70 आएगा। ये सारे निकालने के बाद एज्यूम्ड मीन लेना है। एज्यूम्ड मीन के लिए क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 5 हैं, दो इधर छोड़े दो इधर छोड़े, बीच का आ गया एज्यूम्ड मीन, तो इसको ले लिया हमने एज्यूम्ड मीन, राइट बेटा। एज्यूम्ड मीन के सामने 0 पुट करो, ऊपर घट रहे हैं -1 -2, नीचे बढ़ रहे हैं इसलिए 1 2। अब देखिए ये हमारा एफ आई था, ये हमारा यू आई था, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ 10 1 जा -10, 11 0 जा 0, 8 1 जा 8, 3 2 जा 6। अब ये थे हमारे 16, ये थे 14, और 16 में से 14 घटाएंगे 2, क्योंकि 16 बड़ा है इसलिए साइन आया -2। ओके बेटा, अब देखो ये सिग्मा एफ आई यू आई आ गया -2। फॉर्मूला लगा देंगे किसका, स्टेप डिविएशन मेथड का, तो सारे फॉर्मूले याद कर लो डायरेक्ट का। तो डायरेक्ट होता है सीधा ही, क्या होता है सिग्मा एफ आई, क्या होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, ये डायरेक्ट मेथड का होता है, और ये स्टेप डिविएशन मेथड का एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बाय सिग्मा एफ आई, और ये है हमारा एच। एच क्या होता है, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, 10 है, तो एच हमारा क्या था 10, तो हमने 10 लगा दिया। सिग्मा एफ आई यू आई -2 एंड सिग्मा एफ आई 35, इसको कट किया मैंने, 5 2 जा 5 7 जा, तो ये बन गया -4/7। एलसीएम ले लीजिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद 486/7, यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दिया आपको, 69.428 आ रहा है, राउंड ऑफ करेंगे 69.43 आ जाएगा। तो बेटा ये थी आपकी 14.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमने बहुत सारा स्टेप डिविएशन मेथड लगाया। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे तो यही आसान लगता है, मिड पॉइंट निकालो, सीधा काउंट करो, ऑड है या इवन है, अगर ऑड है तो बीच में एक नंबर बच जाएगा, आधे इधर रह जाएंगे, अगर जो है इवन है तो बीच में दो नंबर बचेंगे, तो कोई भी एक ले लो, उसके सामने 0 पुट करो, ऊपर घट रहे होते हैं माइनस में चला दो काउंटिंग, नीचे बढ़ रहे होते हैं इसमें चला दो, फिर एफ आई यू आई निकाल दो, राइट बेटा, फिर फॉर्मूला लगा दो। तो इतना आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओके बेटा।